friends welcome and welcome back to my channel CS world तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि नायका पे लगी हुई है पिंक फ्राइडे सेल जिसमें ऑफर लगी हुई थी मैक के ऊपर बाय टू गेट वन तो फ्रेंड्स मैंने बाय टू गेट वन में ही मैक के प्रोडक्ट्स बाय किए हैं तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बाय किया है सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने बाय किया है ये मैक का प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस इससे पहले फ्रेंड्स मेरे पास इसका मैजिक रेडियंस था आपने उसकी रिव्यू वीडियो भी देखी होगी अगर नहीं देखी तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वो काफ़ी अच्छा एक प्रेप एंड प्राइम है और मैजिक जो है आपकी स्किन को ड्री फिनिश देता है लेकिन ये जो ओरिजिनल फिक्स प्लस है ये आपकी स्किन को मैट फिनिश देता है और फ्रेंड्स इसे आप प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं इसे आप मिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं और सेटिंग स्प्रे की तरह भी यूज कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है इसकी एम मैं आपको बता देती हूँ इसकी एम है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ और फ्रेंड्स इसकी क्वांटिटी आपको हंड्रेड एम मिल जाती है इसमें आपको थ्री साइजेस और मिल जाते हैं जिसमें सबसे छोटा वेरियंट सेवन फिफ्टी का है और उससे बड़ा भी इन्होंने पहले ट्वेल्व हंड्रेड का था लेकिन अब थर्टीन हंड्रेड का कर दिया है और ये सबसे बड़ा वेरियंट है इसका जो कि हंड्रेड एम का है तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि आप हमेशा इसकी बड़ी पैकेजिंग बाय करें इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड प्रोडक्ट बात कर लेते हैं जो कि है मैक की मिनी फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन और ये जो फ्रेंड शेड है ये है एन सी थर्टी फाइव एक्चुअली ये शेड मेरा नहीं है ये मेरी मम्मा का शेड है और मेरा जो शेड है वो भी मैं अभी आप आपको बताऊँगी इसकी एम है वन लेकिन फ्रेंड्स इसकी नई एम आ चुकी है वन जो कि दो सीधा बढ़ की आई है और यहाँ पे इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट मैंशन है फिफ्टीन एम क्वांटिटी आपको एक ग्लास की बॉटल में मिल जाती है और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कोई भी पंप नहीं मिलता इसका जो पंप है आपको अलग से बाय करना पड़ता है एंड आप देख सकते हैं ये ऊपर तक फिल है तो इसका अगर आप शेड देखना चाहते हैं तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इसका जो शेड है वो दिखा दूँगी नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड प्रोडक्ट जो कि है इसका कंसीलर जी हाँ मैक का जो कंसीलर है फर्स्ट टाइम बाय किया है और ये भी फ्रेंड्स मेरा नहीं है ये ममा का है और कंसीलर के साथ फाउंडेशन थोड़ा सा मैच करके हमने ली है और ये जो कंसीलर शेड है ये है एन एन डब्ल्यू फोर्टी और यहाँ पर इसका ट्वेंटी फोर मंथस का पी ओ बॉक्स बना हुआ मीन्स कि आप दो साल तक ईजिल से यूज़ कर सकते हैं इसकी एम आर पी है टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ यानि कि ये दो हज़ार से ऊपर की रेंज का है और इसकी क्वान्टिट्टी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल जाती है क्वान्टिट्टी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सेवन ग्राम मिलती है और इसका मैं आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ ये किस तरह का है अंदर से ये इस तरह का कंसीलर है और काफ़ी ये मैं कहूँगी कि अच्छे से ब्लेंड हो जाता है इसे ब्लेंड करके देखा था और ये जो शेड है ये जिनकी स्किन शेड जो है ओलिव है स्किन अंडरटोन ऑलिव है उनकी अंडरटोन के, के लिए ये जो कंसीलर है काफ़ी अच्छा है नेक्स्ट फ्रेंड्स बाय टू गेट वन के ऑफ़र में एक प्रोडक्ट और बाय किया था जो कि है मैक की मैट लिपस्टिक और ये जो शेड बाय किया था हमने ये है नेचुरल बॉन्ड लीडर सिक्स फाइव नाइन और इसकी एम आर पी है वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ इसकी थ्री ग्राम है तो चलिए मैं आपको इसका अंदर से शेड भी दिखा देती हूँ जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैक की मिनी लिपस्टिक्स भी आती हैं और मुझे लगता है कि एक जो लिपस्टिक है काफ़ी देर तक मुझे लगता है पड़ी रहती है अगर आप डेली भी यूज़ करते ना तो वो कहीं ना कहीं बची जाती है तो मैं यही कहूँगी कि आप हमेशा मिनी में ही इन्वेस्ट करें अगर आपको मिनी में कोई शेड पसंद आता है तो लेकिन यहाँ पर बाई टू गेट वन के ऑफर की, की वजह से हमें ये शेड लेना पड़ा और ये शेड है नेचुरल बॉन्ड रीडर ये थोड़ा सा ना मैरून अंडर टोन की तरफ जाता है मैरून टोन की तरफ जाता है तो मैं इसे भी शॉर्ट्स में ना आपके साथ शेयर कर दूंगी इसका लिप स्वाच मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी तो फ्रेंड्स ये सारे प्रोडक्ट थे जो हमने बाय किए थे बाय टू गेट वन की ऑफर में और जो स्मॉल वाली लिक्विड फाउंडेशन थी वो हमें अलग से मिली थी लेकिन अब यहाँ पे फ्री सैंपल्स जो मिले हैं वो भी मैं आपको दिखा सो so, सैम्पल में सबसे पहले हमें मिला है ये मैक का मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है इसके साथ मैं एक शॉट आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और फ्रेंड्स ये जो शेड है ना ये बताइएगा कैसा शेड है और बात कर लेते हैं हमारे अगले सैम्पल्स की जो कि मेरे पास हैं तो फ्रेंड्स ये सारे जो सैम्पल्स हैं आपको शॉपर स्टॉप से मिल जाएंगे इसके बाद मैंने मैक के फ्रेंड्स कुछ लिपस्टिक शेड्स थे वो मुझे सैंपल में मिले थे और मुझे इनके नेम्स नहीं पता आप देख सकते हैं काफ़ी ऑरेंजी टैंगी शेड है और मैं इस तरह के शेड ना कभी भी नहीं लगाती आपने देखा ही होगा मैंने कभी भी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक नहीं लगाई और आपको यहाँ पर मैं शेड दिखाती हूँ सी फ्रेंड्स ये थोड़ी सी ग्लॉसी लिपस्टिक है और जितने भी मुझे लिपस्टिक के जो सैंपल मिले वो सभी ग्लॉसी में हैं पहले तो मुझे शेड देखकर लगा कि मेरी इस लिप्स पे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे लेकिन अभी तक मैंने इसे ट्राई भी नहीं किया लिप्स पे तो मैं आपके साथ ही लिप्स वॉच करके देखूँगी आपके साथ शेयर करूंगी कि ये लिप्स पे किस तरह से लगते हैं आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा पिंक टोन है न्यूड पिंक है और ये भी एक ग्लॉसी शेड है यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इन दोनों सैंपल्स के स्वाच और नेक्स्ट फ्रेंड्स एक्चुअली ये सारे प्रोडक्ट्स ना हमने फ्रेंड्स ये हमने शॉपर स्टॉप से बाय किए थे हमने नायका से बाय नहीं किए और यहाँ पे मैंने अपनी फाउंडेशन का सैंपल लिया था जो कि है एन सी ट्वेंटी तो एन सी ट्वेंटी फ़ाइव शेड में ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होकर मेरी स्किन को हल्का सा ग्रे कर देता है ले तो मैं चाहती थी कि थोड़ा सा लाइट शेड आ जाए सो तो मैंने एन सी ट्वेंटी का सैंपल लिया है और एन सी ट्वेंटी का जो शेड है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकूं तो शॉर्ट वीडियो में तो ज़रूर शेयर फ्रेंड्स कर दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए और यहाँ पे कुछ ये इस तरह के स्टिक्स भी हमें सैंपल्स में मिल गई थी जैसे कि मस्कारा स्टिक्स हैं ब्रश हैं तो ये काफ़ी मिले थे थोड़े मम्मी के पास हैं थोड़े मेरे पास हैं तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स थे ये बाय करने पर हमें ये सैंपल्स मिले थे तो फ्रेंड्स बाय टू गेट वन की ऑफर है ना ये आपको शॉप स्टॉप मिल जाएगी मैक के स्टोर पे मिल जाएगी साथ ही फ्रेंड्स आपको मैक की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी नायका पर भी बाई टू गेट वन लगी हुई थी और फ्रेंड्स ये जो मैक की बाई टू गेट वन की ऑफर है ना ये कभी कभी आती है तो अगर आपको मैक के प्रोडक्ट्स पसंद है ना या आपके कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं तो आप उन्हें ज़रूर बाय कर लीजिए करिए बिकॉज ये काफ़ी कह लीजिए कि थोड़े से हमें डिस्काउंट पे मिल जाते हैं तो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं और अच्छे भी हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मैंने दिखा दिए हैं तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू